सो वेलकम अगेन टू माई यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को करने वाला हूँ अपग्रेड। जो हाल फिलहाल जो मेरा कंप्यूटर जो रन कर रहा है वो कर रहा है HDD में, ये है हाइब्रिड डिस्क ड्राइव, और मैं उसे कब करने वाला हूँ अपग्रेड SSD में, जो है सॉलिड डिस्क ड्राइव। बेसिकली जो HDD है वो HDD जो इसमें जो भी एप्लीकेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी इंस्टॉल करते हैं वो अच्छा चलता है, नो डाउट, पर इसके मुकाबले इसमें जो चीज़ें जो रन होती है वो काफ़ी स्लो चलती है। और अगर आप इसमें इंस्टॉल करते हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर बाद में जैसे कि कुछ भी आप जैसे डेटा ट्रांसफरिंग अगर आप एज अ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड में बहुत फ़र्क है। अगर आप ये दोनों की ट्रांसफरिंग स्पीड आप देखना चाहते हैं तो आप गूगल भी कर सकते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस ट्रांसफरिंग स्पीड बिटवीन SSD एंड HDD। तो मैं आज इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि मैं मेरे कंप्यूटर में कैसे इसको मैं पूरा डिसेंबल करके ओपन करके कैसे मैं हार्ड ड्राइव चेंज करूंगा और कैसे मैं न्यू विंडोज 10 इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मेरे कंप्यूटर में जो है वो इंस्टॉल है ये वाली, मतलब इसी टाइप की है HDD, और मुझे इंस्टॉल करनी ये वाली SSD SATA हार्ड ड्राइव जो 480 GB की है। तो बेसिकली ये जो है ये कंपनी है WD Green, और ये वाली है सीगेट बारकुडा। तो मैं हाल फिलहाल तो इसे तो मैं एक्सटर्नल ड्राइव इसे यूज़ करता हूँ, और हाल फिलहाल अभी मैं इसको मैं इंस्टॉल करूँगा कंप्यूटर में, तो प्लीज़ बी रेडी। तो जैसे कि दोस्तों मैंने कुछ ही टाइम पहले मेरे ये न्यू Acer Predator को मैंने अपग्रेड किया था SSD में और HDD में, तो अभी हाल फिलहाल मैं जो है मैं इसे अपग्रेड करने वाला हूँ मेरे ये वाले PC को। आप देख सकते हैं अभी मैं OS जो है वो बूट कर रहा हूँ पेनड्राइव के अंदर, विंडोज 10 की है। तो अभी थोड़ी देर में मैं इसे पूरा खोल के अंदर क्या है कैसे अपग्रेड करना है कैसे कौन सी डिस्क किधर लगानी है वापस कैसे इसको क्लोज करना है पूरी की पूरी वीडियो में इस मैं आपको कवर अप करके मैं आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारी सामग्री जिससे हम हमारे कंप्यूटर का जो है खोलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसके पीछे के सारे वायर्स निकालूंगा। फिर मैं सुला दूंगा इसको ऐसे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो मुझे करना है सबसे पहले नीचे से यहां से रिमूव। ये आप देख सकते हैं कि ये तो स्क्रू खोलने एक ये वाला, सॉरी इसके जो दो स्क्रू है वो पूरा खुलते नहीं है, एक स्क्रू यहाँ है और एक स्क्रू यहाँ है। इससे क्या होगा ये जो इसका स्टैंड है वो हो जाएगा डिटैच। अब जो दूसरा पार्ट है खोलने के लिए वो है इसका ये आगे का पट्टा, ये काफी धीरे से खोलना पड़ता है।
काफी धीरे से खोलना पड़ता है इसे। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमें खोलने हैं ये 4 स्क्रूज, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 5 स्क्रूज। इसके लिए मुझे वापस चेंज करना होगा। उसके बाद ये स्क्रूज खोलने के बाद इसे काफ़ी आराम से हमें ओपन करना है। ओपन करने से पहले यहाँ पर एक और स्क्रू लगा हुआ है, ये देखिए, इसे हमें इसे भी खोलना होगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसे धीरे धीरे उठाना है। आप प्लीज ऐसी चीजें घर पर नहीं ट्राई कीजिएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने ऐसा कर दिया है ओपन, मैं इसे पूरा तो ओपन नहीं कर पाऊंगा, टोटली मैं इसे डिस्पैच नहीं कर सकता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूंगा डिस्पैच करने की, नहीं सॉरी टोटली डिस्पैच नहीं हो सकता। तो अभी मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसमें अभी हमें हार्ड डिस्क जो SSD जो मैंने अभी आपको बताया वो कहाँ स्टोर करनी है। जैसे कि काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी मुश्किल से मैंने इसे स्क्रीन को जो डिटैच किया है, अब हम लगाएंगे इसमें SSD। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे पर पक्का हो जाएगा। यहाँ से एक स्क्रू खोलेंगे, वहाँ स्क्रू आ गया। स्क्रू तो हो गया गायब। विको सिस्टम है क्या? काफी टिपिकल डिजाइन है, काफी ज्यादा। अब तो खुल जा मेरा भाई, अब तो खुल जा।
मिल गया स्क्रू। चलो देख लेते हैं, अभी और तो कोई स्क्रू बचा नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाय द वे इसे खोला कैसे जाता है? तो फाइनली रास्ता तो मिल गया है डिस्क खोलने का। यहाँ से थोड़ा सा यूं किया, धीरे 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 बाहर निकालिए और फिर इसे हम पलटेंगे यूं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है सिगेट की HDD 1 TB की। तो अभी जो है हमें इसे रिप्लेस करना है SSD से। तो फटाफट से इसे स्क्रू साइड में रख के ये स्क्रूज को मैं अलग इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि क्या है, इसकी जो साइज है वो बेसिकली अलग है दूसरे स्क्रू से। तो फाइनली स्क्रूज तो सारे निकाल दिए। अब इसमें जो है आप देखिए, इसे काफ़ी धीरे धीरे काफ़ी आराम से इसे ओपन करना पड़ता है। कुछ भी एक भी गड़बड़ हुई तो समझिए हार्ड डिस्क करप्ट। वैसे मेरे हिसाब से इसे यहाँ से खोलना है। हाँ देखिए, हार्ड डिस्क डिटैच हो गई है। अब हम इसे रख देंगे साइड में और अभी हम लाएंगे SSD। तो देखिए हमारी SSD जो रेडी पड़ी है WD की क्रीम। तो सेम हमें इसे भी इसी तरीके से लगाना है। अभी थोड़ा जेंटली हमें लगाना होगा स्क्रू ड्राइवर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि यहाँ पे हमें इस हार्ड डिस्क को हमें ऐसे रखना है, जैसे कि आप ये होल देख सकते हैं, ये होल टू होल मैच होना काफी जरूरी है। तो आप जैसे ही देख सकते हैं, मैंने जो है हार्ड डिस्क इसमें लगा दी है SSD। थोड़ा सा इसका वायरिंग कनेक्शन चालू करना है। इसे ऐसे नहीं रुका। सो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे सेटिंग कर रहा हूँ उसके पास, क्योंकि अभी हाल फिलहाल मेरे पास वो प्लास्टिक की स्ट्रिप्स नहीं है। क्या करें दोस्तों, सब सेटिंग करनी पड़ती है। सो दोस्तों फाइनली काफ़ी कुछ सेटिंग करके मैंने SSD को जोड़ दिया है। काफ़ी मेहनत लगी, दो घंटे लग गए। अभी थोड़ी देर में मैं इसको करने वाला पूरी एकदम अच्छी तरीके से फिटिंग। चलिए अब इसमें स्क्रू लगा देता हूँ मैं। खाली दो ही स्क्रू है अंदर।
अच्छा है, SSD तो सेट हो गई है। अब हमें लगाना है इसका स्क्रीन। तो फिर सबसे पहले तो मैंने इसे यहाँ से खोला था और खोला था यहाँ से। अब मैं लगाता हूँ इसे स्क्रीन। चलो स्क्रीन तो लग गई, एक बार इसे ऑन करके देखते हैं। तो मैं जोड़ता हूँ इसका पावर सप्लाई पीछे से। सो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन तो चालू हो गई है। जैसे ये कह रहा है बूट डिवाइस इज नॉट फाउंड। हाल फिलहाल मुझे इसे बूट करना पड़ेगा विंडोज 10 के अंदर। जो भी ये नेक्स्ट प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो अभी मैं इसका जो है पावर सॉकेट निकाल देता हूँ और इसे अच्छे से परफेक्टली फिट कर देता हूँ। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कोई कुछ वायर या कुछ रहा तो नहीं गया अंदर। इसे कुछ यहाँ से इस तरीके से फिट करना है धीरे 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 प्रेस करना। एक बार मैं इसे टेम्परेरी लगा रहा हूँ। अगर कोई समझो कि हार्ड डिस्क वर्क नहीं कर रहे तो मुझे फिर से खोलना पड़ेगा, इसलिए एक बार मैं इसे टेम्परेरी चालू कर रहा हूँ। ऐसे तो देखिए तो करो कंप्लीटली फिट हो चुका है। अभी मैं इसको जो है स्क्रू से टोटली फिट कर दूंगा। स्क्रूज एक ही रहे। आई होप स्क्रीन को कुछ हुआ ना हो। चलिए एक बार इसमें स्टैंड लगा के इसको शुरू कर लेता इसका पावर सॉकेट मैंने लगा दिया। इसका ये जो माउस एंड कीबोर्ड का USB सॉकेट लगा दिया। इसके बाद मैं ये जो पेन ड्राइव आप देख सकते हैं ये है विंडोज 10 बूटेबल पेन ड्राइव। तो हाल फिलहाल मैं इसमें विंडोज 10 कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए कीबोर्ड और माउस लाता हूँ मैं। सो फाइनली जो हमने जो SSD लगाई है वो इसके अंदर प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुकी है। और अभी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे विंडोज 10। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने विंडोज 10 की बूटेबल पेन ड्राइव बना दी है और अभी मैं इसे सिलेक्ट करके अभी आगे बढ़ूंगा। लैंग्वेज टू इंस्टॉल हमेशा रहेगी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। यहाँ से क्लिक करूँगा मैं नेक्स्ट। यहाँ से मुझे क्लिक करना इंस्टॉल नाउ। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्या पूछ रहा है ये मुझे जरूरी नहीं क्योंकि मेरे अंदर ऑलरेडी डिजिटल सिग्नेचर वाली विंडोज की इंस्टॉलेड है जो कंपनी प्री इंस्टॉल करके देती है। फिर यहाँ से मुझे जैसे कि मुझे इंस्टॉल करना है विंडोज 10 प्रो, तो मैं विंडोज 10 प्रो सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से दबाऊंगा नेक्स्ट। अब ये पूछेगा कि अगर आपके ये जो इसका
टर्म्स एंड कंडीशन है वो हमें एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट करना है। अगर पूछेगा अगर आपके अंदर विंडोज इंस्टॉलेड है कोई भी, जैसे विंडोज 7 या विंडोज 8 या विंडोज 8.1, अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हो तो आप अपग्रेड करें या फिर कस्टम इंस्टॉल विंडोज ऑनली, मतलब कि डायरेक्ट आपको फॉर्मेट हार्ड डिस्क करके डायरेक्ट आपको इंस्टॉल करना है। तो ये देखिए जैसे कि ये मेरे जो पुरानी हार्ड डिस्क थी, जैसे मैंने SSD बोला है, वो उसमें काफी सारे पार्टीशन किए हुए। अब मुझे क्या करना है, इस पार्टीशन को डिलीट करना है और डिलीट करके इसको सिंगल पार्टीशन बनाना है, फिर इसके अंदर मैं इंस्टॉल करूंगा। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये जो दिखा रहा है 443.1 GB, तो इसको मैं डिलीट किया, वेट करना है। फिर ये जो है 2.0, इसे भी डिलीट करना है, वेट करना है। और पार्टीशन 1 डिलीट करके वेट, ये भी डिलीट और ये भी वेट। तो आप देख सकते हो जितने भी मैंने पार्टीशन डिलीट किया वो पूरा का पूरा सिंगल बन के हो गया 447.1 GB। तो यहाँ से इसे क्लिक करने के बाद क्लिक करना है नेक्स्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो विंडोज है वो इसमें कॉपी हो रहा है। गेटिंग फाइल्स फॉर रेडी। अब जो है अभी ये विंडोज स्पेसिफिकली इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अब जो आएगा वो आएगा कि भाई अपने कंप्यूटर को एकदम अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन करना है कि अब फिर आप आगे काम कैसे कर सको। तो हाल फिलहाल आप देख सकते हैं ये जो है रिस्टार्ट होने जा रहा है। अभी कुछ भी नहीं क्लिक करना, ये ऑटोमेटिक पूरा का पूरा काम करेगा अपने आप। अगर आप चाहो तो आप पीछे से पेन ड्राइव निकाल सकते हो। यहां से फिर हमें सिलेक्ट करना है इंडिया, यस। यहां से ये पूछा इज द राइट कीबोर्ड लेआउट, तो अगर आप इंडिया के तो इंडिया सिलेक्ट करें, इंग्लिश इंडिया। वांट टू ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट, स्पेसिफिकली कोई जरूरत है नहीं। हाल फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पास जो माइक्रोसॉफ्ट का आईडी है अगर आप उससे अपना विंडोज 10 को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप वाईफाई कनेक्ट कीजिएगा, वरना क्लिक कीजिएगा आई डोंट हैव एन इंटरनेट। यहाँ से करना है कि कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप। फिर वापस हमें क्लिक करना है डोंट हैव एन इंटरनेट, कंटिन्यू विद द लिमिट सेटअप, ये दो बार पूछेगा। अब मैं मेरे पीसी का नाम देना चाहूँगा सर्वर, फिर क्लिक करूँगा नेक्स्ट। पासवर्ड हाल फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर नेक्स्ट। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर आपको लोकेशन आपके कंप्यूटर का चालू रखना तो आप चालू रख सकते हैं। अगर आपके जो कोई दिक्कत आ रही है कंप्यूटर में, अगर आप चाहो कि उसको माइक्रोसॉफ्ट को भेजना चाहते हो एज लाइक फीडबैक, तो ये आपके ऊपर है। अगर आपको चालू रखना चालू करना बंद कीजिए। ये फाइंड माई डिवाइस, अब इसमें ऐसा कि समझो कि अगर आपका कंप्यूटर कहीं खो गया है तो कोई चुरा के ले गया, अगर समझो कि वो नेट चालू करता है तो आप इसे फाइंड माई डिवाइस से आप उसे अपने कंप्यूटर को लोकेट कर सकते हो। ये कब होगा कि अगर आप अपने मेल आईडी से अपने कंप्यूटर कनेक्ट करोगे तब, यूजली ये इतना जरूरत पड़ता नहीं है। इंकिंग एंड टाइपिंग, जैसे कि समझो अगर कोई कंप्यूटर है कोई अच्छा खासा कोई बढ़िया सा कंप्यूटर जो टच स्क्रीन है जिसके अंदर पेन वन वगैरह यूज होता है, तो फिर ये ऑप्शन उस कंप्यूटर के लिए अवेलेबल है। एडवर्टाइजिंग आईडी, टेलर एक्सपीरियंस, ये आइडिया नहीं है, फिर क्लिक कीजिए एक्सेप्ट पे। लेट्स कोरोना हेल्प यू गेट द थिंग डन, कुछ काम का नहीं है। तो फाइनली मेरे कंप्यूटर में विंडोज 10 इंस्टॉल हो चुका है और मैंने इसके अंदर जो है अपग्रेड किया एचएचडी से एसएसडी में। तो एक और मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने भी फॉर्मेट किया अपने कंप्यूटर को तो ये चीज़ों का ध्यान रखें, उसके बाद ही आप अपने कंप्यूटर को यूज़ करना शुरू कीजिएगा। अब आप चाहे तो आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, तो बेसिकली मुझे वाईफाई कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरे ये ऑलरेडी लैन का सिस्टम लगा हुआ है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरे ऑलरेडी लैन का सिस्टम लगा हुआ है। लैन का सिस्टम लगा देगी, ये पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव दिस नेटवर्क, तो हमें करना है यस एंटर, और थोड़ी देर में ये साइन कुछ ऐसे चेंज हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही अगर आपने न्यू विंडोज डाला है, इंस्टॉल किया है अंदर, तो आपको सबसे पहले करना है कि इसे 100% अपडेट करना है। तो ये विंडो के बटन दबाइए, UPDAT अपडेट टाइप कीजिए, फिर सेटिंग ऑप्शन आएगा, एंटर दबाइए। यहाँ से फिर अपडेट लिखिए,
UPDATE, वी चेक फॉर अपडेट्स, एंटर दबाइए और यहाँ पे क्लिक करना है आपको चेक फॉर अपडेट्स। जैसे कि आपने देखा कि इसमें अपडेट सारे आ गए, इसमें स्पेशली भी ऐसे अपडेट होते हैं जैसे कि आपके अंदर कोई ड्राइवर इंस्टॉल करना हो तो माइक्रोसॉफ्ट अपने आप ड्राइवर इंस्टॉल करेगा अगर उनके थ्रू कोई अपडेट है। जैसे कि आप देखिए अपडेट फॉर विंडोज 10 21H फॉर X64 बेस सिस्टम, तो ये उनका खुद का सिस्टम अपडेट है। और आप ये देखिए कि इंटेल सिस्टम, और ये जैसे कि ये जैसे नेट फ्रेमवर्क 3.4 4.8 फॉर विंडोज 10, ये एक ड्राइवर अपडेट है। इस अपडेट के कारण सारे के सारे ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इसमें आपको स्पेसिफिकली कोई ड्राइवर की सीट डालने की जरूरत नहीं, आज का न्यू टेक्नोलॉजी के कारण, न्यू विंडोज 10 के कारण आपको ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे ये देख सकते हैं USB, तो USB 2.0 3.0 जो भी है ये अंदर ऑटोमेटिक सारे ड्राइवर इंस्टॉल कर देंगे। फिर विंडोज अपडेट के बाद आपको दूसरी चीज़ ये करनी है, अगर आपका जब 100% अपडेट हो जाए फिर आपको क्लिक करना है विंडो की, फिर आपको लिखना है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप के बाद क्लिक करना है क्लिक क्लीनअप सिस्टम फाइल्स, फिर आपको ये नीचे क्लिक करना है और यहाँ पे बिना देखे सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है। ये आप चाहे तो आप ये डेली कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर समझिए कि आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो ये अगर आप डेली करेंगे तो आपका कंप्यूटर एकदम सुपर फास्ट चलेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी जैसे कि आपने देखा कि स्क्रीन में थोड़े बहुत बदलाव है, इसका मतलब ऐसा है कि अंदर डिस्प्ले NVIDIA जो मेरा ग्राफिक कार्ड है उसका ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है। और इसमें भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत कभी रिस्टार्ट होगा, कभी ये वापस शुरू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत अपडेट होगा। जैसे ही अपडेट क्लियर हो गए आप क्लीन अप डिस्क क्लीन अप चला लीजिए, उसके बाद क्लिक कीजिए ओके और फिर क्लिक करें डेट फाइल। ये दो चीज़ करने के बाद ही आप अपना कंप्यूटर में रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, इससे पहले आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें। सो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर मेरे वीडियो में थोड़ा बहुत अगर वॉइस का प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, मैंने काफ़ी ये समझिए ना काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।